अजी अनुभव तो मैं तो बूढ़ा हो गया, चुनाव लड़ता 75 साल को हूँ। कहीं रणनीति आ गया अब? अगर रणनीति जनता को स्नेह और प्यार और प्रेम और गोवर्धन जी को व्यवहार, गांव का दिल खोल तो दे रहे देशी वोट, और राजस्थान में सबसे बड़ी जीत यदि कोई MLA की होगी तो वो गोवर्धन जी वर्मा की दोत से होगी। कीमत मिलने की है तो थाने कोई भी आदमी ई बात को विरोध को नहीं कर सके कि साहब गोवर्धन अठे आयो को नहीं गया, माने यहाँ कह दियो गया, मारी आ गलती निकाल दी गया, मारो काम को नहीं करियो, माने गेड़ा निकाल दिया, मिलिया को नहीं। तो अब तो बारह जनता की आवाज़ आ रही है कि गोवर्धन मारो भाई लो और विधानसभा जाए लो। 40 से 45 हजार वोट से लीड कर रहे हैं इस समय, और ये जो कार्यकर्ताओं का संघर्ष है ये इसको बढ़ाता चला जाएगा अंतर को। दाम में को नहीं है दूध का, 200 गांव या छाती फाड़ दे दियो, ये मान लीजिए समर्थन सबसे ज्यादा। अगर लीड से जीतेगा तो गोवर्धन वर्मा धोध। राजस्थान के लोग देखेंगे कि कितना बेटा मीठा खींचना पर जिसको घीर शकर गलाला ने वो रिकॉर्ड तोड़ गलाला। बलराज सिंह थे, देख रहे हो झलको सीकर। झलको सीकर में आपको स्वागत है। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है और दूसरी लिस्ट में प्रत्याशी है जगह सीकर की तरफ, वो तीन घोषित हुआ है, दोदू गोवर्धन वर्मा, नीमका थाना प्रेम सिंह बाजौर और श्री माधोपुर जाबर सिंह खर्रा। तो आप फिलहाल गोवर्धन वर्मा के ऑफिस का मायना और अठे लोग जानश्या पा के मन का मायना खूब भीड़ है जगी हो रही है, बधाइयाँ को तांतो है जो लाग रहे है लगातार। बीजेपी आपकी दूसरी लिस्ट है जगी जारी कर दी और दूसरी लिस्ट के अंदर प्रत्याशी है दो दू गोवर्धन जी वर्मा है जगह अन्य उम्मीदवार है जगह पार्टी बनाया। तो आप बाग साथ में पहली तो बहुत बहुत बधाई आपने। धन्यवाद साहब आपको भी। तो प्रत्याशी आपने बनाया है दो दू कई मुद्दा के बीच के मायने अब जनता के बीच में जासियो। देखो पहले तो मैं थाने धन्यवाद दूँ कि वास्तव में जी प्रकार की थे झलको जो राजस्थान आपका जो चैनल है वो वास्तव में एक मुद्दे लेकर चलता है और आप जनता के बीच में भी जाते हैं, आप मेहनत भी करते हैं और जनता को या उम्मीदवार को या जनप्रतिनिधि को आप आईना भी दिखाते हो। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे को जो टिकट दी गई है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, चाहे हमारा केंद्र का हो, चाहे राज्य का हो और हमारे ज़िले का हो, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे पे विश्वास किया है। और मेरे पे विश्वास करने के साथ साथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और इस धोध विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति के मन में इच्छा थी कि भाई गोवर्धन को टिकट मिले, तो सब लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से ये टिकट मिली है। मुद्दे क्योंकि बहुत सारे हैं, मैंने पिछले 5 साल जो काम किया था उन मुद्दों को हम रखते हुए जो हमारी कमी रह गई थी उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आभार भी आपने मेंशन कर दियो, VCA पावर प्लांट को दोध के अंदर विरोध चल रहे है और बठों में कवर कर रहे हो ना गोवर्धन जी है जगह बठे बिजगा ग्राउंड पर हा और जनता के बीच के मायना, तो टिकट को तो यहाँ पतो ही को नहीं हो या फिर पहली यहाँ लाग रहे हो का नाम तो आपनों आज ऐसी जनता के बीच में थे जगह का मुद्दा उठाबाग लाग रहा। ये देखो बात यहाँ की है कि मतलब पहली प्रायोरिटी जिकी जनता जिकी चीज चावे है, पहली प्रायोरिटी बा है, क्योंकि टिकट देनू या नहीं देनू वो पार्टी को काम है, मेरे काम को नहीं हो। माने पार्टी विश्वास करे तो पार्टी के साथ मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश कराँगा और हमारी जनता क्योंकि जी प्रकार हूँ दूध की जनता है, वह वास्तव में बहुत स्नेह रही है, क्योंकि पिछली बार कई लोग के हो कि साहब वास्तव में गलती होगी और हो जाए, कई बार परिस्थितियाँ चेंज हो जाए, लेकिन लोगों को बहुत अच्छे स्नेह है, क्योंकि मैंने 5 साल वो भी पता कौन सा लेकिन मैं MLA हूँ क्या नहीं हूँ, लोगों को मेरे प्रति भी जुड़ा हुआ रही और जनता के प्रति मेरे भी वही जुड़ा हो रही हो। तो मैं सोचूं कि आ टिकट केवल जनता की है और जनता भी जीता होगी। मतलब दोध की जनता सकली गोवर्धन है? बिल्कुल साहब, इसमें तो आपको थे जाओ जठो देख लियो आबाद, अब आज साबित है कि थे पूरा क्षेत्र में घूमया भी हो तो थाने कोई भी आदमी ई बात को विरोध को नहीं कर सके कि साहब गोवर्धन अठे आयो को नहीं गया, माने यहाँ कह दियो गया, मारी आ गलती निकाल दी गया, मारो काम को नहीं करियो, माने गेड़ा निकाल दिया, मिलिया को नहीं हुसके काम। देखो कमी बेसी भी हुसके, क्योंकि काम सगड़ा कोई को नहीं कर सके और यदि सगड़ा काम कर दे तो मैं सोचूं कि वो भगवान हो जाए। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि हुसके काम कम बेसी हुसके, लेकिन जनता के साथ में मैं हमेशा न्याय करने की कोशिश करूँ और जनता के जखा भी मन में सोचा चलिया है वहाँ पर मैं खरोतरने की पूरी कोशिश कर सूँ। मैं देखा कि थे टेम्पू के ऊपर बैठ बैठ भी जनता के साथ है जगह चल रहा है कई दिनों में, VCA पावर प्लांट वालों भी कमाई ने चल रहे हो दोध के पूरी जनता के साथ में हो रहा है। तो यहाँ न देखी परिस्थिति के ऊपर है नीचे है एक जमीन जुड़ेड़ा आदमी है जखा के साथ में भी थे जुड़ रहा पूरी तरीका हूँ। तो अब कहीं लगे है कि आगामी है जो अब यात्रा है जगह जनता के साथ में मुलाकात की थारी चाल सी, तो कहीं आगे प्लान रहे? देखो यह है कि मैं किसान परिवार हूँ,
इसलिए माने कोई चीज़ पर चढ़ना उतना को माने कत डर को नहीं। मैं ऊँट पर भी बैठ सका हाँ, मैं मोटरसाइकिल भी बैठ सका, मैं ट्रैक्टर भी बैठ सका, मैं गाड़ी भी बैठ सका, बैठ भी सका, चला भी सका, मांगे सागे भी रह सका। क्योंकि मैं कोई न तो या कोई राजनीतिक परिवार हूँ, न कोई बहुत हाई फाई परिवार है, एक साधारण सा परिवार हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जी प्रकार को विश्वास एक कार्यकर्ता पर करे तो मैं तो आई कहूँगा जनता के साथ में और पार्टी के साथ में खरो उतरूंगा। जी बीच के मायना पहली लिस्ट जारी हुई जना पार्टी के ऊपर आरोप भी लगे कि टिकट है जगह पीसा के पान बिक्री है, लेकिन दूसरी लिस्ट आई है जना बिक मायने प्रत्याशी है जगह बी साबू उतारा गया है जी पहली चल रहा बाको नाम है जगह रिपीट ज्यादा हुए है तो ये पर कहीं कहना। देखिए मतलब कहीं है कि मैं पार्टी का जगह लोग बैठे है बैठे वे माऊ ज्यादा बहुत ज्यादा समझदार है, उस कह के माना लागे के बात गलत है या उम्मीदवार गलत बना दियो तो वो पार्टी की सोच है, पार्टी ने लागे के भाई वो आदमी अठे फिट बैठ सके कि नहीं बैठ सके तो उसके खटकमी वैसी भी रह जाए, क्योंकि पार्टी से भी कई लोगों को गलती हो जाए, लेकिन फिर भी पार्टी हमेशा अच्छो सोचरी चले। बीच के मायने अबार सोशल मीडिया के ऊपर छवि खराब करवा की भी कोशिश है जिकी थारी करी गई, एक ऊपर कोई कुछ के पूछो नहीं तो कोई यह है कि मतलब कोई भी आदमी कोई विरोधी आदमी कोई झूठी बात कति दूर चले, झूठी बात के कोई अपना पुराना बुजुर्ग कहता है ना कभी पग पूछ को नहीं वह, इसलिए वह बातों पर मन कोई कहे झूठ को नहीं, क्यों वह जनता के सामने है झूठी कोई ज़्यादा कौन चाल सके, और वह तो यहाँ सोचो कि भाई इस पर कोई आक्षेप आरोप लगा दें तो उसके कहटा कोई अपन नंबर आ जाए या कोई अपन इनका टिकट नहीं मिले तो कोई चीज़ हम कोई फायदा वाली बात को राजनीति षड्यंत्र मान उसको आपा तो यही मान सका, क्योंकि कोई जब घटना ही नहीं हुई कोई बात ही नहीं होना फिर को मतलब तो ही है। तो अब तो बारह जनता की आवाज़ आ रही है कि गोवर्धन मारो भाई लो और विधानसभा जाए लो। वो तो जनता की मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जनता की टिकट है, हमारे लोगों की हमारे कार्यकर्ताओं की धोध की जनता की टिकट है, वो जाने टिकट पार्टी ने सोच के दी है तो अब जनता के हाथ में है, गोवर्धन तो जनता के हवाले है, वो कहेंगे जैसा कर लेंगे, बाकी तो चुनाव जीताना हराना ये उनकी बस की बात है। तो हमारी तरफ और दोबारा शुभकामनाएं आपने के विधानसभा पूछो। बिल्कुल आपको भी धन्यवाद, पूरी जनता को भी धन्यवाद, हमारे सीकर जिले के जो भी इस चैनल को भी देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। टिकट है जगह मिल गई अर्थ देख को चारों मेर विजुअल है जगह दिखाओ कि जनता को उत्साह है एक अलग है, समर्थकों को उत्साह है एक अलग है। तो कार्यालय में बैठे हैं गोवर्धन जी के पाऊँ बातचीत कर सा, टिकट है जगह थारा प्रत्याशी ने मिल गई, कहीं रणनीति आ गया अब आगे रणनीति जनता को स्नेह और प्यार और प्रेम और गोवर्धन जी को व्यवहार गांव का दिल खोल तो दे रहे देशी वोट और राजस्थान में सबसे बड़ी जीत यदि कोई MLA की होगी तो वो गोवर्धन जी वर्मा की दोध से होगी, किसी भी पार्टी से हो कोई भी MLA इनसे वोटों से ज्यादा वोटों से नहीं जीत सकेगा। क्या दोध में तो बारह बारह धुरंधर बैठा है कि यहाँ मुकाबलो है जो कर सो मुकाबलो को निकलू मुकाबलो वोट टिकट एंड टिकट टिकट ऐसे की वोटा नहीं मिले टिकट तो वोट को नहीं मिले। अच्छा एक बार कोई पुराने टाइम पर खर्रा जी की टिकट काट दी श्री माधव गुरु तो वो जो भाजपा को प्रत्याशी वो 2,500 वोटा में सिमट को और खर्रा जी निर्दलीय चुनाव जीत का। तो अब की बार तो जनता को जो प्रेम स्नेह है वो गोवर्धन जी के प्रति अतो उत्साह है को गिनती कीमत मिनक की है न की टिकट की कीमत मिनक की है समझ रहा हो नहीं आपको कहीं के पो है। हमारा ये मानना है कि गोवर्धन जी वर्मा जैसा संघर्षशील ईमानदार व्यक्तित्व बहुत कम राजस्थान में देखने को मिलता है, ऐसा व्यक्तित्व हमें तो मतलब पहले से ही पता था कि ये टिकट फाइनल है, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं के अंदर 1% की कोई गुंजाइश थी तो आपके सामने ये जनसैलाब बता रहा है। कितनी जोर शोर से इस टिकट का इंतजार किया जा रहा था, 40 से 45 हज़ार वोट से लीड कर रहे हैं इस समय, और ये जो कार्यकर्ताओं का संघर्ष है ये इसको बढ़ाता चला जाएगा, अंतर को बहुत ही शानदार अंतर से जीतेंगे और हमारी शुभकामनाएं हैं बहुत ही जल्दी इस कार्यालय के आगे आप मंत्री पद की गाड़ी खड़ी देखेंगे। तो जनता को आवाज आ रही है गोवर्धन मारो भाई लो और विधानसभा जाए लो। विधानसभा हम तो पूगो औपचारिकता बाकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है, उसके अलावा कुछ बाकी नहीं है, और मंत्री पद में हम लोग आपको बता रहे हैं ये बहुत जल्दी मंत्री पद इनको मिलेगा और दोध की जनता को असली विकास क्या होता है ये देखने को आने वाले वर्ष में मिल जाएगा। आपको परिचय? सुरेंद्र सिंह सामी सरपंच। अच्छा जना सामी गांव को तो समर्थन दे दियो। सामी को नहीं है दोध का 200 गांव या छाती पहाड़ दे दियो या मान लीजिए समर्थन जका आदमी जितना परेशान वेड़ा जितना हुआ है ना प्रशासन से इकू प्रशासन से बीता पिछला 100 साल में 50 साल में कोने या इतना परेशान तो 5 साल हो बड़ो माड़ो निकले हो तारे हिसाब मारे हिसाब से तो यहाँ निकले हो गिन गिनर कटे हमें तो
पांच साल किया कटिया पांच साल यहाँ कटिया के राज में तो नहीं जब मान कोई आ रहा तो गई को नहीं क्या भाई माँ की बदरी कराए पिछलो बीजेपी को राज हो जना एक भी दो कर्मचारी इनको छेड़े हुए एक भी मतलब कोई कर्मचारी तो आप उनके गोवर्धन जी मेरे टोरो मार दियो और फलाने जगह भेज दियो और पांच साल पीढ़ के मान विकास कार्य करावा कोई कमी कौन छोड़ी 687 किलोमीटर पिछले पांच साल हो गोवर्धन जो काले काल हो भी कमान दोगवान करवाई 20 साल जो कामबेड़ा को राज हो भी कमान के एक है तो सिर्फ विधानसभा प्रतिनिधि तो कर सकया लेकिन शासन में नहीं आई लिए राज को सड़क बनावा का बजट ही और जगह बजट ही पे कोई लिया सकया है तो ओनली तो सीपीएम आ तो ओनली भाई विधायक कोटो ही मांगे तो आगे पार्टी तो शासन में ही को नहीं। अब गोवर्धन जी को राज पिछले पांच साल को जो कार्यकाल देखियो तो लोगों को अपार जनसमूह है गोवर्धन जी के पक्ष में दौड़ रहे तो ताऊ जी है ताऊ जी लड्डू है खबर लग रहा है ताऊ जी लड्डू खा लियो लाडू खा लियो आज तो जना मुंडो और पूरा ही सुख तन तन मिटो गो तन मन ओ तो थे ही बेरो है आज तो सुख मिटो गो लोगो तारे मैं नसीर का मोल दूंगा। अच्छा 200 विधानसभा में हाँ। हमारे गोवर्धन जी एमएलए जैसा एमएलए नहीं है ये कह रहा हूँ मैं और गोवर्धन जी की जीत का कोई मुकाबला नहीं है हाँ। राजस्थान में हाँ। सबसे ज्यादा हाँ। अगर लीड से जीतेगा तो गोवर्धन वर्मा धोत और हम जनता जो है ना इनके साथ है किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है 200 विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर जीत होगी तो गोवर्धन वर्मा की होगी मैं नसीर का मोल दूंगा। तो थारो अनुभव है जो गोवा की बात करे अजी अनुभव तो मैं तो बूटो हो गया चुनाव लड़ता 75 साल को हूँ और मैं पैदल चाल चु प्रचार में पैदल घाटी की जरूरत कोई नहीं पूछने वाला कार्यकर्ता गिरा राम राम साह राम राम साह पैदल फिरा करू समझ गया कोई अत्याचना बैठे पूछ लो नसीर का घाटी रखे घाटी कौन रखू 100% जीत है जनता के बड़े चहेते हैं और हर समय सुख दुख में जनता के बीच में रहते हैं इसी का परिणाम है कि बहुत ज्यादा कंटेस्ट लोग मान रहे थे लेकिन हमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा विश्वास था कि हमारी इच्छा अनुरूप ही जो है टिकट मिलेगी और आज हम दावा करते हैं कि हजारों वोटों से और हो सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जीत गोवर्धन जी वर्मा की होने जा रही है इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो जयकारा लग रहे हैं पटाखा फूट रहे हैं कहीं के वो है लाडू खा रहे हो मीठो मीठो करा रहे हैं अब आने वाला चुनाव की तैयारी कर रहे हैं माको गोवर्धन जी माको भाई लोग विधानसभा में जाए लोग ट्रैक चाल रहे है एक माँ वो ट्रैक एकदम सफल हो सी और मैं तो आई जमा के गोवर्धन जी मंत्री बने मैं भारतीय जनता पार्टी को तीसरा कार्यकाल लगातार सेवत मंडल देख सू 11 ग्राम पंचायत है 28 ग्राम है बाकी माँ 71% वोट गोवर्धन जी का है बिना किया बिना प्रचार आज 71 भी जीत है हर घर में एक आवाज है गोवर्धन 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 अखिल भी अध्यक्ष को उत्साह है जो भरपूर है सगड़ा लेबा लाग रहा है माड़ा है जगह पिरावा लाग रहा है विजुअल्स है जगह अध्यक्ष को के राजी खुशी है चलता आ रहा है ये लागे मुंडा कमाई ने मीठो जाबा की जरूरत ही को नहीं ऑटोमेटिक ही मीठो होगो दिखे अरे मेरे भाई थर पहले तो चंद्रन बहुत बहुत धन्यवाद आज को मीठो जिया की दोध की जनता भी है बिया को मीठो कदा ही को नहीं हो बिया को मीठा की ये मालो कल्पना कौन करी बहुत लोग अफवाह फैलाई बहुत रही बाता हुई लेकिन आज दोध की जनता 25 नवम्बर बहुत मीठो वाले ली की राजस्थान का लोग देखता रह जाएगा राजस्थान के लोग देखेंगे की कितना बेटा मीठा खींचना पर जिसको घीर शकर गलाला ने वो रिकॉर्ड तोड़ गलाला खींचो देसी देसी तरीका तो अब और बात करें टिकट की बात चल रही है बठिन प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं बठिन गोवर्धन जी वर्मा बठिन जनता के बीच के मायने लागवा लाग रहे हैं गोवर्धन जी तो सदा जल में जितना जनता में ही समझदार है अभी तक आज 15 साल से चुनाव मिल रहे हैं 5 साल प्रधान रहेगा 20 साल को बहुत लंबा टाइम है गरीब किसान का बेटा है हमेशा जनता में रिया के लिए जनता को बाकी सके तो प्यार है जगह कल्पना को नहीं करी जा सके कि बहुत रिकॉर्ड तोड़ बोटा जितला आ दौध की जनता का विश्वास पर कह रहे हो माँ बाप कोई नतीजो है कि टिकट घोषित होता नहीं भीड़ ना उड़ रही को नहीं कार्य गाँव के माए खड़े मैं अब गाँव निकलांगा गाँव बहुत लोग खड़े हाल तो लोग तो आस पास का लोग ही बहुत गाँव पब्लिक इंतजार कर रही है गोवर्धन जी को पलक पावड़ा बिछाया खड़ी है जनता तो ये जलको सीकर के साथ में थे जुड़े रहो बने रहे हो और थारो प्यार प्रेम है जो हमारे बीच में बनाए रखो नमस्कार धन्यवाद राम राम साहब कैमरा मैन नरेंद्र सिंह के साथ में दिलराज सिंह।